माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और इसमें हम नया चीज़ रखे हैं जो है प्रीपोजिशनल वर्ब्स, यानी प्रीपोजिशनल वर्ब होते क्या हैं, इनका यूज अगर आता है पैसिव वॉइस में तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है, जिस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता हो वो वर्ब प्रीपोजिशनल वर्ब कहलाते हैं। उसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर आता है, ठीक है। और इस वर्ब को हम कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब भी, ठीक है। फ्रेजल वर्ब माने वाक्यांश क्रिया होता है, तो जिस वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वही चीज़ है प्रीपोजिशनल वर्ब, यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हमारा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, आप कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का, तो स्ट्रक्चर हमने जो बताया था इसके पहले वीडियो में, आप उसी स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। तो आइए फिर से हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेंगे। आपको पता होगा जब हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये होता है एक्टिव वॉइस में, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग कर्म की प्रधानता दिखाते हैं। तो यहाँ पर बस उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन बीच वाले वर्ब में कोई अंतर नहीं होता, वो ऐसे रह जाएगा। तो इस क्रम में अगर हम बनाते हैं तो हो जाता है पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ और भी नियम हैं जिनको जानकारी होना चाहिए, अगर एक भी मिस्टेक किए तो आपका गलत हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग पैसिव वॉइस का लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीच में वर्ब होता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के पहले एक चीज़ और आता है जिसको कहते हैं बी फॉर्म, बी बीन और बीइंग, ये आता है टेंस के अकॉर्डिंग। आपको बताया गया है इसके पिछले वीडियो में कि मॉडल वर्ब होता है तो बी, परफेक्ट है तो बीन और कॉन्टीन्यूअस है तो बीइंग। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, अगर टेंस परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस और मॉडल वर्ब्स आते हैं, अगर नहीं आते तो इनका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको एक चीज़ और लिखना है, प्रीपोजिशन। किसी में बाई का यूज किया जाता है, किसी में बाई ना लगा के अदर प्रीपोजिशन लगाया जाता है। इसके पहले हमने वीडियो में समझा दिया है कि कहाँ बाई लगता है, कहाँ पे जो है बाई नहीं लगता, अदर प्रीपोजिशन लगता है। तो पैसिव वॉइस का पूरा स्ट्रक्चर यही है, देखिए आप देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, बस अंतर क्या था कि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आएगा और कुछ बी बीन बींग हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा और सब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना होगा, ठीक है, कहीं पे बाई लगता है कहीं पे कोई अदर प्रीपोजिशन लगता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि इसमें प्रीपोजिशनल वर्ब है क्या। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जिस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होगा उस वर्ब को हटाएंगे नहीं, उस प्रीपोजिशन को भी नहीं हटाएंगे, वैसे ही उसको उसी के साथ लिख लेंगे जिस साथ वो आए हैं। देखिए, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, ऑब्जेक्ट माने होता है आपत्ति करना, योर माने तुम्हारे, या अपन आपके, प्रपोजल माने होता है प्रस्ताव, यानी मुझे आपके प्रस्ताव पर आपत्ति है। आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, मुझे आपकी प्रस्ताव पर आपत्ति है, या मैं आपके प्रस्ताव पर आपत्ति करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल वर्ब हो गया, तो वर्ब ढूंढिए, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा होगा, तो ऑब्जेक्ट माने आपत्ति करना होता, यही एक वर्ब है, और इसके साथ एक टू आ गया, और टू क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पूरी को, ऑब्जेक्ट टू को, प्रीपोजिशनल वर्ब। और यहाँ पे देखें, ही इज लाफिंग एट द बेगर, वह जो है भिखारी पर हंस रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशनल वर्ब क्या है, तो वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आया होगा, वर्ब है लाफ हंसना, और एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो लाफिंग एट माने होता है हंसी उड़ाना, ठीक है। तो लाफिंग एट एक प्रीपोजिशनल वर्ब है। अगला देखेंगे, द पीपुल हैव लिसनड टू द प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुनी है, या लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुन चुकी है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन आएगा,
तो वर्ब है पीपुल और इसके द्वारा लिसन सुनने का काम हो रहा है और लिसन के साथ टू आ गया प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ गया इसलिए प्रीपोजिशन वर्ब हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर टीथ, तुम्हें जो है अपने दांतों की देखभाल करनी अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पे मस्ट लगा है तो अवश्य होता है, तो यहाँ पे टेक केयर माने होता है देखभाल करना और टेक केयर के साथ एक प्रीपोजिशन आया है ऑफ, तो टेक केयर ऑफ हो जाएगा ये प्रीपोजिशनल वर्ब। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई और ऑब्जेक्ट टू हो गया आपका प्रीपोजिशनल वर्ब और योर प्रपोजल आपका हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट है आपका योर प्रपोजल, पी आर ओ पी ओ एस ए, योर प्रपोजल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्स लगाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्स ना दिया हो तो समझ लीजिए वह प्रेजेंट इंडिफरेंट या पास्ट इंडिफरेंट हो सकता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट, जिसके लिए इज एम आर लगाएंगे, अगर सेकंड फॉर्म होगा तो पास्ट इंडिफरेंट, जिसके लिए वाज वर्ब लगाएंगे। चूंकि आई ऑब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप कि ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफरेंट में लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होगी पैसिव वॉइस में इज एम आर होती है। ठीक है, तो योर प्रपोजल प्रस्ताव क्या है, ये सब सिंगुलर चीज़ों में आते हैं, इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब बी बीन बींग देखेंगे, अगर मॉडल वर्ब है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, तब लगाएंगे। चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो कर रहा है इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में इनमें से कुछ नहीं आएगा, सीधे इसको छोड़ के हम वर्ब के थर्ड फॉर्म जाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में बीन जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। तो वर्ब है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टेड हो जाएगा, ओ बी जे ई सी टी ई डी। अब ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रीपोजिशन आया था, क्योंकि ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशनल वर्ब था, तो इस वर्ब को जो है प्रीपोजिशन को हम नहीं हटाएंगे, जैसे था वो उसके साथ आया हुआ वैसे लगा देंगे, भले ही इसका हम लोग फॉर्म बदले, कोई भी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन प्रीपोजिशन को नहीं हटाएंगे, जैसे था। ये तो हो गया वर्ब। अब सब्जेक्ट ही पहले आपको बाय लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय लगा देंगे, और सब्जेक्ट क्या है, आई, और अपने ऑब्जेक्ट केस में जाएगा तो आई बदल के मी हो जाएगा, तो हो जाएगा योर प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बाय मी। ठीक है, भले ही दोनों प्रीपोजिशन एक साथ है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जो था वैसे आपको रहने देना है। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ही इज लाफिंग एट द बेगर, वह भिखारी पर हंस रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, लाफिंग एट ही प्रीपोजिशनल वर्ब है, और द बेगर ऑब्जेक्ट है, किस पे हंस रहा है आप, बेगर भिखारी पर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, लिखेंगे द बेगर, बी डबल जी ए आर। अब देखेंगे टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया अगर दी है तो आप वही लगा लेंगे, अगर इज है तो समझ लीजिए इज एम आर हो सकता है, तो बेगर भिखारी एक वचन में है तो हम लोग इज लगाएंगे। और बी बीन बींग को भी ध्यान देंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब बींग कैसे लगेगा, देखिए ये आई एन जी लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग आई एन जी वाला फॉर्म लगाएंगे, तो ए आई एन जी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से और उसको कहाँ लगा देंगे, बी में। ठीक है, तो बींग हो जाएगा, जैसे आई एन जी लगाएंगे उस हमारा बच गया लाफ, और लाफ बचा, और पैसिव वॉइस में जाते वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और लाफ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाफ्ट हो जाएगा, एल ए यू जी एच ई डी। और लाफिंग एट एक प्रीपोजिशनल वर्ब है, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा उसको उसके साथ लिखेंगे, हटाएंगे नहीं, तो ऐसे इसको लिख लेंगे लाफिंग एट। ठीक है, भले ही आपका फॉर्म बदले लेकिन प्रीपोजिशन वैसे उतर जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पहले बाय लगाना है, तो सब्जेक्ट पहले आप बाय लगा लेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, तो सब्जेक्ट ही है, अपने जाएगा इधर ऑब्जेक्ट केस में, तो हो जाएगा ही का हिम, तो हो गया द बेगर इज बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। तीसरा देखेंगे द पीपल हैव लिसनड टू द प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुनी है, तो यहाँ पे लोगों, द पीपल हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, लिसन टू हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल वर्ब, और द प्राइम मिनिस्टर आप ये हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे इनको ऑब्जेक्ट को द प्राइम मिनिस्टर, एम आई एन आई एस टी आर हो गया। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख दिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे लगा है, अगर हैव लगा है तो उसका एक जुड़ा और भी होता है, हैज और हैव दोनों, ठीक है, ये परफेक्ट में आते हैं, तो हैज लगता है एक वचन के लिए, हैव लगता है बहुवचन के लिए, लोग होते हैं प्लूरल और प्राइम मिनिस्टर होते हैं सिंगुलर, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग लगाएंगे हैज, ठीक है, हैव हैज में से कोई एक लगाएंगे।
उसके बाद हम देखेंगे इसको बी बीन बींग। अब यहाँ पे बी बीन बींग देखेंगे, हैज हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है तो बी वाज बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। इसके साथ आपको लगाना होगा क्योंकि आपको बताया गया है कि परफेक्ट के लिए आपको बीन लगाना है। और हैज हैव आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ लीजिए परफेक्ट है। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका है थर्ड फॉर्म में लिखा ही है कि उसकी ईडी लग गया है, तो लिसन LISTEN ED। अब प्रीपोजिशन को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले बाई लगा दिए और सब्जेक्ट आपका है क्या द पीपुल, तो द पीपुल यानी नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर प्रोनाउन होता तो बदल जाता है। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन लिसन्ड टू बाई द पीपुल। अगला है यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर टीथ, तुम्हें अपने दांतों की देखभाल अवश्य करनी चाहिए, मस्ट लगा है। तो यहाँ देखिए टेक केयर, टेक केयर माने होता है देखभाल करना और टेक केयर के साथ ऑफ आया है, तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन, तो इसको कहेंगे प्रीपोजिशनल वर्ब, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, इसको भी आप नोट करते रहें क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ वह प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी भरने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिसन वाला हो गया, लिसन के साथ टू आता है प्रीपोजिशन, लाभ के साथ एट आता है, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है, उसे टेक केयर के साथ ऑफ आएगा, ये आपको याद कर लेना, आगे काम करेगा। तो चलिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया यू, अब मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, टेक केयर हो गया मेन वर्ब्स और योर टीथ हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट योर टीथ, और टीथ क्या है टूथ का प्लूरल है, टूथ हमारे एक दांत और टीथ हमारे बहुत से दांत, अब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट हमारा योर टीथ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोई टेंस नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मस्ट है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो उसको नोट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब में, दूसरा कोई वर्ब नहीं लगाना होता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग बी लगाते हैं, बी ई, आप देख पा रहे होंगे हमने स्ट्रक्चर में कुछ लिखा है कि जो बी है बीन है बेइंग है, तो बी जो होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए लगता है। तो यहाँ मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हम लगाएंगे बी, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन आता है, अब मेन वर्ब क्या है टेक है, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा तो टेक टुक टेकन होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है टेकन। उसके बाद केयर का तो कोई बनेगा नहीं, केयर वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि टेकन भी कर दें केयर एन भी कर दें, तो इस मेन ए है टेक, इसी का थर्ड फॉर्म बना टेक टुक टेकन, बाकी केयर ऑफ वैसे उतार देना है केयर ऑफ। उसके बाद हम लोग लगाते हैं लास्ट में सब्जेक्ट के पहले बाई, तो बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट है यू, यू का सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव से लिखा यू ही जाता है, ठीक है। तो हो गया योर टीथ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय यू। अगला है ही स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ मतलब बंद कर देना द लाइट्स, उसने जो है बत्तियों को बुझा दिया यानी बंद कर दिया, तो लाइट्स हो गया ये, तो स्विच ऑफ क्या है बंद करना एक वर्ब है, ही सब्जेक्ट हो गया द लाइट्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो लिखेंगे द लाइट्स LIGHTS। अब चूँकि ऐसा लग गया है तो प्लूरल हो गया। अब यहाँ से देखेंगे सब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस का है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो देखेंगे टेंस क्या है, तो जिस अगर सहायक क्रिया ना दिया हो और उसके बीच में सेकेंड फॉर्म हो उसके बाद या ईडी लगा हो तो समझ लीजिए कि वो सेकेंड फॉर्म में है और वह टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया पैसिव वॉइस के लिए होती है वो वाज वर्ब होती है। चूंकि लाइट्स प्लूरल है इसलिए जो है वर लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब आपका स्विच्ड ऑफ, और चूंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाना है तो ईडी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के लिए काम कर जाता है, तो वही हो जाता है स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, ठीक है ऑफ हो गया। ये प्रीपोजिशन वर्ब जो है आप वैसे नोट कर लेंगे क्योंकि स्विच्ड ऑफ यानी स्विच के साथ क्या होता है ऑफ आता या आना था, ये प्रीपोजिशन वर्ब होंगे, इसको एक साथ उतार लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की पहले आपको बाई लगाना है, सब्जेक्ट हो गया आपका ही और उसके साथ लगाएंगे बाई, और ही अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आपको हो जाएगा हिम हो जाएगा, तो द लाइट्स वेयर स्विच्ड ऑफ बाई हिम हो गया। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। देखिए चार्ज विथ होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चार्ज विथ है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, और अगर कहीं चार्ज लिखा है तो समझ लीजिए उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो विथ ही आएगा, भरने के लिए कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है,
अगर हटा दिया जाए विथ, यहाँ पे विथ गायब कर दिया जाए समझ लीजिए, तो वहाँ पे विथ ही भरा जाएगा। तो चार्ज्ड विथ जो है ये आपका प्रीपोजिशनल वर्ब है। द पुलिस चार्ज्ड विथ हिम विथ मर्डर, यानी पुलिस ने उस पर हत्या का आरोप लगाया। एक बात यहाँ ध्यान देना, चार्ज विथ एक साथ आता है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन अगर ये चार्ज विथ क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब है और यह आपका फ्रेजल वर्ब है, तो प्रीपोजिशनल वर्ब या फ्रेजल वर्ब हो अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके बीच में हम उसको रख देते हैं, ठीक है। इसलिए हम ऐसा नहीं लिखे हैं कि चार्ज विथ हिम, ऐसा नहीं लिखेंगे, भले चार्ज विथ एक साथ आते हैं लेकिन जब भी कोई इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में इसको रखा जाता है, ठीक है तो चार्ज विथ एक साथ आता है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द पुलिस, चार्ज हिम विथ या आरोप लगाने का काम हो रहा है वर्ब है, और मर्डर का हत्या हो गया। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में मर्डर है, मी एम यू आर डी ई आर, ये मर्डर हो गया आपका ऑब्जेक्ट केस में। यहाँ पे देखेंगे टेंस क्या है, सहायक क्रिया नहीं दिख रही है तो इंडिफिनिट हो सकता है, और जब ईडी लग गया तो समझ लीजिए वह पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट के लिए पैसिव वर्ब में वाज वेर, तो मर्डर के लिए हम लोग वाज का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, यस, तो आपका थर्ड फॉर्म ईडी लग गया तो समझ लीजिए कि थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। और उसके साथ देखिए इस चीज़ को ध्यान देना है, देखिए तो मर्डर मर्डर वाज चार्ज, देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द और मर्डर जो है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को दो तरह से लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट पहले लिख देते हैं इनडायरेक्ट बाद में, तो उसके पहले आपको टू लगाना होता है। जैसे यहाँ पे जो है हमने मर्डर डायरेक्ट को पहले दिया और चार्ज जो हिम है उसको बाद में लिखा, तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा, तब हिम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट को पहले लिखते हैं उसके बाद दूसरा लिखेंगे विथ हो जाएगा, और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द पुलिस, उसके पहले लगाएंगे बाई, बाई द पुलिस हो जाएगा। तो क्या मर्डर वाज चार्ज टू हिम विथ बाई पुलिस, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट पहले लिखते हैं, मान लीजिए हिम है उसको आगे लिखते हैं, तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि दूसरी तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हिम है, हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को आप आगे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। तो अगर हिम को बनाएंगे सब्जेक्ट के इसमें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हिम का ही हो जाएगा, और ही एक वचन में है तो पास्ट इंडिफिनिटस में वाज लगाएंगे, और जो मेन वर्ब है उसका चार्ज हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, ठीक है, चार्ज हो गया। और चार्ज के साथ क्या था, हिम था, तो हिम को आपने ही बना दिया, तो चार्ज की बात बचा विथ, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ब है इसे रहने देंगे, और बचा क्या है उसके बाद मर्डर बता है, तो मर्डर को लिख देंगे मर्डर। अब किसके द्वारा मर्डर हुआ है उसको लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है द पुलिस, उसके पहले लगाएंगे बाई, उसके बाद लिखेंगे द पुलिस, पी यू एल आई सी। तो इस तरह से भी इस चीज़ को बना सकते हैं, ही वाज चार्ज विथ मर्डर बाई द पुलिस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।